हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोवेल पर सो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का मैराथन सी पेपर के लिए या फिर पी एस टेट के लिए तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो एम हैं वो डिस्कस करने वाले हैं तीस के तीस एम बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सो फ्रेंड्स वीडियो में कंप्लीट आप जुड़े रहें एंड तक और तीस के तीस एम आप भी मेरे साथ उसको आंसर करने की कोशिश करें समझें इन चीज़ों को सो so, uh, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए सो so, देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन के साथ सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग ठीक है तो अगर आप टीचर की तरह सोचें अगर आप साइंटिफिक अप्रोच ठीक है अपनाना चाहते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा मेथड अप्रोप्रिएट होगा इन चारों में से शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट या फिर गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स या फिर आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट या फिर क्लैरिफाइड द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास देखिए ऑप्शन सारी हम कहते हैं कि पॉजिटिव हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिमांड क्या चीज़ कर रहे हैं फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग ठीक है साइंटिफिक अप्रोच की बात अगर हम करें तो हमारी ऑप्शन थ्री क्या होगी करेक्ट होगी ताकि टीचर बच्चों को बोले कि आप जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करें तभी बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ करेंगे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा खुद से करेंगे ना कानेस्थेटिक लर्निंग होती है यानी कि उनका साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ेगा कॉन्सेप्ट की तरफ ठीक है सो ऑप्शन थ्री क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई सो इसका आंसर क्या है एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन दी थी स्मॉल पॉक्स के लिए ठीक है? ये आपको नाम ही याद रखना है प्लानिट्स रिवॉल्व अराउंडिट पाथ अरेज द फॉलोइंग प्लान इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अब देखिए अगर हम बात करें प्लेनेटरी सिस्टम की तो वो किस शेप में होता है हमें पता है अर्थ सॉरी uh, सन बिल्कुल सेंटर में है ठीक है यहां पर सन है उसके अराउंड जो है प्लैनेट्स अपने रिवॉल्व करते रहते हैं तो प्लैनेट्स की जो सीक्वेंस है वो क्या होता है ये होता है ठीक है uh, किस तरह से लर्न करते थे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लैनेट्स ठीक है अब प्लूटो तो चलो हट चुका है तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमने भी लर्न किया था और बहुत इजीली हमें ये सीक्वेंस लर्न हो गया था तो एम फॉर क्या है एम फॉर मर्क्री वी फॉर वीनस फिर मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपटन ठीक है तो इस तरह से यहां पर नंबर डालिए आप फोर सबसे पहले सॉरी वीनस है यहां पर वीनस नंबर वन फिर है अर्थ और सैटन कहाँ पर है देखिए सैटन पीछे है तो नंबर टू हम यहाँ पर डालेंगे यूरेनस है थ्री तो जितना देखिए डिस्टेंस सन से बढ़ता जाएगा उतना रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वो भी तो बढ़ेगा तो हमारा सीक्वेंस सही हमारे पास देखिए क्या आ गया वन फोर टू थ्री तो अब ये सीक्वेंस हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है ये आ रहा है हमें ऑप्शन सी में नज़र वन फोर टू थ्री दैट इज वीनस अर्थ देन इज सैटन एंड देन इज यूरेनस ठीक है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लान तो अगर आप भी इस तरह से याद करना चाहते हैं इसको याद कर सकते हैं पूरे के पूरे प्लानिट्स आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे ठीक है तो उसी तरह से हमारा रेवोल्यूशन होता है ऑप्शन सी क्या हो गया इसमें करेक्ट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट सीखिए क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास ईच सेल इन अवर बॉडी कंटेन्स डी एन एव वी ऑल्सो हैव प्रोटीन्स एंड फैट्स इन अवर बॉडी वॉट इज द कॉमन अमंग डी एन ए प्रोटीन्स एंड फैट्स हमारी बॉडी में देखिए डी होता है प्रोटीन्स होते हैं फैट्स होते हैं तो डीएनए क्या है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स तो ये क्या है अगर आपको इसके फुल फॉर्म बताए ना तो आंसर हमें पता लग जाएगा ये क्या है एक तरह का एसिड होता है तो प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या होता है कि इन सभी में एसिड्स होते हैं ठीक है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में भी एसिड्स होते हैं और फैट्स में भी क्या होते हैं एसिड्स होते हैं सो ऑप्शन ए क्या है इसकी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज़ ट्रेडिड तो जो हमारे जूते के सोल होते हैं ना नीचे से वो ट्रेडिड क्यों होते हैं थोड़े से हम कहते हैं ना खुरदरे से होते हैं मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होते इतना ज़्यादा बिल्कुल ही पोर्शन नहीं होता क्यों होता है ताकि वो फ्रिक्शन को इनक्रीज़ कर पाएँ वरना तो हमारा पैर बिल्कुल स्लिप कर जाएगा हम कहते हैं ना कुछ स्लिपर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं नीचे से ठीक है कुछ चप्पल हम लेके आते हैं मार्केट से तो वो बहुत स्लिपरी हो जाती है हम उनको फेंक दे क्योंकि वहां पर उनका जो सरफेस का फ्रिक्शन है वो इतना नहीं होता कि हम अच्छे से चल पाए हम स्लिप कर जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं तो टू इंक्रीज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है अपोजिंग फोर्स होती है जो हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है ठीक तो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा मोशन हम कहते हैं कि उतना कम होगा फ्रिक्शन जितना कम है मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी चीज़ की ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स द कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स तो देखिए अगर हम साइंस में बात करें तो सी सी ई साइंस में क्या कहता है कि मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन होने चाहिए या फिर रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए टू असेस लर्निंग या फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ साइंस हो या फिर समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट हो तो देखिए अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें ना तो यहाँ पर जितनी लो कि एक्टिविटीज़ होती हैं वो चीज़ को आपने समझना है कि पॉजिटिव टैगवर्ड है इसका तो यहाँ पर ऑप्शन टू हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट दैट इज़ रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस टू असेस लर्निंग बच्चे जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे हम कहते हैं उनका साइंटिफिक एटीट्यूड साइंटिफिक नेचर उनकी डेवलप uh, होती है ठीक है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो खुद से जब चीजें करते हैं ना बच्चे तो वो हमने बस पॉजिटिव टैगवर्ड समझ लेना और वही हमारा आंसर है ठीक है तो ऑप्शन टू यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन Which of the following strategy can be most appropriate for involving learners in the teaching लर्निंग ऑफ साइंस अगर हम बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहते हैं ठीक है तो कौन सी बिल्कुल बेस्ट स्ट्रैटी होगी एनकरेजिंग लर्नर्स टू ग्रू ग्रुप असेसमेंट या फिर रीडिंग अ साइंस बुक क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर्स या फिर वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट सो सबसे पहला इसमें क्या होगा फिर से हम बोलते हैं वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट बच्चों को एंगेज करेंगे हम चीज़ें करने के लिए ठीक है वो अगर खाली बैठे रहेंगे तो वो खुद से काम कैसे करेंगे ठीक है कायन स्टार्टिंग लर्निंग आपने साइंस में बस मेन यही चीज नोट डाउन करनी है कि बच्चे खुद से जहां पे चीजें करते हैं वो पॉइंट आपका पॉजिटिव है तो यहां पर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगी पॉजिटिव ठीक है सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखिए द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसी अब जो अल्ट्रासाउंड की इक्विपमेंट्स होती हैं है ना हम स्कैन करवाने जाते हैं अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पर स्कैनिंग होती है तो वहाँ पर जो फ्रीकुेंसी uh, होती है इक्विपमेंट्स की वो कितनी होती है दैट इज अबव ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स एच जेड इज फॉर हर्ट्स एच ई आर टी Z ठीक है हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स तो अब ट्वेंटी थाउजेंड तो देखिए ये चीजें ना आपको जनरल पता होनी चाहिए अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी क्वेश्चंस देखकर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन द एस यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू इज अब कैलोरीफिक वैल्यू की जो एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है किलो जूल पर किलोग्राम ठीक है केजे प्लस केजे बाय के जी ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द क्लास रूम कल्चर या फिर ट्रू टू साइंस टीचर या फिर ट्रू टू चाइल्ड या फिर एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल अब देखिए अगर हम एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव की बात करें या फिर कोई भी चीज़ आप उठा लें तो वो क्या कहते हैं कि सेंटर कौन है सेंटर चाइल्ड है सेंटर स्टूडेंट है तो यहाँ पर उस हिसाब से आपकी ऑप्शन क्या सही हुई ट्रू टू द चाइल्ड ठीक है गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड सिर्फ चाइल्ड को सेंटर मानते हुए उसके लिए सही होनी चाहिए इस तरह से साइंस की एजुकेशन हो सो ऑप्शन थ्री क्या है करेक्ट आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर इलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस वेन वाटर ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस फेज़ जब पानी लिक्विड से गैशियस फेज में बदल जाता है तो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज या फिर द कलर ऑफ़ पार्टिकल्स चेंज या फिर साइज ऑफ़ पार्टिकल्स चेंज या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल चेंजेस सो देखिए क्या होगा अगर हम बात करें कि हमारे पास तीन फॉर्म्स होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं ठीक है इसीलिए वो सॉलिड होती है लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं और गैश स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ठीक है ये इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनता है ऑप्शन वन दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज जब पानी लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है ठीक है आप दोनों चीजों को ध्यान से देखें लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का ये चेंज हो रहा है ना यानी कि अगर गैश फॉर्म में चेंज हो गया तो डिस्टेंस उनमें ज्यादा हो गया सो ऑप्शन वन क्या होगी यहां पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच वन ऑफ द फॉल्विंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क अब मैन मेड फाइबर्स जो हैं उनको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं वो कौन सा है दैट इज़ रे ऑन ठीक है ये क्या है मैन मेड फाइबर है इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रे ऑन के हम कपड़े पहनते हैं ना ठीक है गर्मियों में पहनते हैं ये रे ऑन के हमारे जो कपड़े होते हैं देन हम कहते हैं जो नायलॉन होता है इसके जो पैराशूट्स वगैरह बनते हैं वो होते हैं एक्राइलिक के जो आप विंटर क्लोथ्स पहनते हो स्वेटर वगैरह पहनते हो वो होते हैं एक्राइलिक के क्लियर तो रे इसका क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग अब देखिए अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं अगर हम ऑप्शन टू देखें थ्री देखें या फोर देखें इनमें हमें नजर आ रहा है आयरन कॉपर एल्युमिनियम ये जो हम कहते हैं मेटल्स होते हैं ना ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं तो ये हीटअप जल्दी हो जाएंगे लेकिन अगर आप ऑप्शन वन देखेंगे यहाँ पे क्या है एयर वाटर एंड प्लास्टिक ये जल्दी जल्दी हीटअप नहीं होते हैं सो ऑप्शन वन क्या है करेक्ट आंसर क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन टू थ्री एंड फोर ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलिंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया हमारा हाँ ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेडली आया हुआ है तो उसी तरह से मैं आपके लिए लिया ये तो इसका आंसर हमें पता है आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट यानी कि बच्चे कहाँ कैसे सीखेंगे कानस्थैटिक लर्निंग से डूइंग दैम सेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्टीन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द अक्रेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अब देखिए सीजन अकर होते हैं एक तो होता है डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है एक होता है कि सीजन्स अकर होते हैं सीजन्स अब अर्थ की जो रोटेशन होती है एक होती है रोटेशन एक होती है, है रेवोल्यूशन रोटेशन क्या होती है अर्थ की खुद के एक्सिस के अराउंड वो जो रोटेट करता है ना उसको रोटेशन कहते हैं उसके कारण जो है डे एंड नाइट अकर होती है लेकिन सीजन कब अगर होता है जब हम कहते हैं कि अर्थ की रेवोल्यूशन होती है अराउंड द सन ठीक है रेवोल्यूशन अराउंड द सन वो क्या होता अकर करता है सीजंस यानी कि जब अर्थ क्या है टिल्ट होता है धीरे धीरे टिल्ट होता है एक्सिस के अराउंड द अर्थ एक्सिस द अर्थ एक्सिस इज कारण क्या है सीजनस अकर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ रबर सकर वेन प्रेस्ड ऑन अ सरफेस स्टिक्स टू द स्टिक्स टू इट बिकॉज ऑफ़ अब देखिए ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के पास टॉयज होते हैं ना गन वाले टॉयज होते हैं उसमें एरो इंसर्ट करते हैं तो आगे रबड़ लगी होती है जब बच्चे शूट करते हैं तो वो टॉय जाके ना शीशे पे चिपक जाता है या फिर कहीं पे स्टिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रबर सकर तो वो किस कारण होता है ड्यू टू द एटमोस्फेयरिक प्रेशर सो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग द चिल्ड्रन अब बच्चे एक्टिव लर्निंग कर, करना चाहते हैं क्लास में ठीक है एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ गई नॉट की देखिए नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन कहाँ पर सिचुएशन आपको दी गई है बच्चे एक्टिव नहीं होंगे वो आपका आंसर होगा फर्स्ट इज लिसनिंग टू अ लेक्चर इन द क्लास वैसे हमें पता लग रहा है क्लास में अगर बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर मेथड जो है ये पहले ही कहता है कि टीचर यहाँ पर एक्टिव होते हैं और बच्चे पैसिव होते हैं इट मीन्स हमारी ऑप्शन वन ही सही होनी चाहिए बाकी देख लेते हैं एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फील्ड ट्रिप में तो बच्चे एक्टिव होंगे साइंस क्लब में भी एक्टिव होंगे डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर यहाँ पे भी बच्चे एक्टिव होंगे उनका पैसिव रोल कहाँ पे होगा ऑप्शन वन में लिसनिंग टू अ लेक्चर इन द क्लास सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जब थंडर होती है, बिजली हम कहते हैं चमकती है कडकती है आसमान में ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? रूफ ऑफ वन हाउस ठीक है छत पे तो बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए अम्ब्रेला विद मेटलिक एंड ये भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उसको आपने होल्ड कर रखा है अपने हाथ में ठीक है तो आपको करंट पास हो सकता है टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री यहां पर भी आपको नहीं जाना चाहिए आपको सेफ प्लेस कहां पर है वन शुड रिमेन इन अ क्लोज कार क्योंकि कार की जो आउटर बॉडी है ना हम कहते कि वहां पर क्या है सारे चारों ओर जो है पॉजिटिव हम कहते कि साइन है लेकिन अंदर हम बिल्कुल सेफ हैं बिल्कुल अंदर वाली प्लेस कार की क्या होती है सेफ होती है वहां पर आप बिल्कुल सेफ पोजिशन पर बैठे हैं सो ऑप्शन ए क्या है इसकी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन द ज्वाइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब जब जो हमारा हेड है और हमारा अपर जॉ है ठीक है उसके बीच का जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज फिक्सड जॉइंट सो ऑप्शन टू क्या है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जो यीस्ट होता है ना यीस्ट किसको चेंज करता है मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है हम कहते हैं ठीक है थीके? लेकिन ये यूज कहां पर किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन विच वन ऑफ द फॉलिंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन अब देखिए कंडक्शन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट ठीक है ये एक बॉडी है ये अनदर पार्ट है ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे ठीक है जुड़े होंगे तभी वहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है इसको हम क्या कहते हैं कंडक्शन तो हमें ये चार ऑप्शंस दी हुई हैं रूम हीटर फ्रॉम सन टू अर्थ ये चीज़ें कनेक्टेड नहीं है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये भी क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर एंड वेन डिप्ट इन हॉट टी हम कहते हैं ना कि अगर हम स्पून को डिप करते हैं ठीक है तो वो क्या है ऊपर से भी गर्म हो जाता है अगर आप पैन में मिल्क गर्म कर रहे हैं मिल्क तो बिल्कुल थोड़ा सा है ठीक है लेकिन ऊपर तक पैन पूरा गर्म हो जाता है क्यों क्योंकि वो सारी चीज क्या है कनेक्टेड है सो ऑप्शन सी हमारी क्या होगी करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू राधिका गम्स वर ऑफन ब्लीडिंग एंड हर वाउंड वर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील ठीक है अगर हमारे गम्स में ब्लीडिंग uh, स्टार्ट होती है और हमारे जो जख्म है हम कहते हैं वाउंड हैं वो जल्दी जल्दी हील नहीं हो रहे हैं जल्दी जल्दी मतलब उनका घाव जो है भर नहीं रहा है क्योर नहीं हो रहे हैं तो उसकी डाइट में किस तरह की डेफिशिएंसी है तो अगर हम गम्स की बात करें ना जो ये ब्लीडिंग होती है ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ठीक है विटामिन सी अगर बॉडी में कम है तो जो वाउंड्स हैं वो जल्दी हील नहीं होंगे और गम्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बैकेलाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज बिकॉज अब देखिए खुद से सोचिए अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसिस हम बनाएंगे तो वो चीज़ नेचुरली गुड कंडक्टर तो नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की ठीक। तो बैकेलाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज तो वो क्या है गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मीज़ जो उसको जल्दी से पकड़ ले और इंसुलेटर जो उसको रोक के रखता है ठीक है करंट लगने से सो गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एंड सी आर वेरी कॉमनली यूज एज सोर्सेज ऑफ लाइट इन होम्स ठीक है हम सी एफ एल यूज करते हैं एल ई डी ट्यूब्स यूज करते हैं हाउस में आप लोगों को जनरली डिफरेंस पता ही है देखने में आपको पता है लेकिन एक्चुअल क्या हम कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू सी एफ़ एल इज़ बेटर बिकॉज़ एल ई डी कंटेन टॉक्सिक मटीरियल्स या फिर एल ई डी इज़ बेटर बिकॉज सी एफ एल कंटेन्स टॉक्सिक मटीरियल्स तो देखिए जो ऑप्शन टू है ना ये करेक्ट है क्योंकि एल ई डी बेटर होती है सी एफ एल में टॉक्सिक मटीरियल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम एल ई डी को प्रेफर करते हैं घर पर तो ये चीज़ आप भी देख सकते हैं एल ई डी प्रेफ़र कीजिए सी एफ एल में क्या होते हैं टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं सो ऑप्शन टू क्या है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव If the pressure over a liquid increases, अगर हम किसी लिक्विड पर प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका बॉयलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज होगा या फिर चेंज नहीं होगा फर्स्ट डिक्रीज दैन इंक्रीज अब देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना लिक्विड पर तो उसका जो बॉयलिंग पॉइंट है ना वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जैसे हम प्रेशर कुकर में डालते हैं ना पानी के अंदर आलू उबालने डाल देते हैं या फिर कुछ भी आप पानी भी रख दो तो भी क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है सो ऑप्शन टू क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट इज द कलर ऑफ कॉपर करोजन अब करोजन क्या होता है बेसिकली जब चीजों पे जंग लग जाती है जंग लग जाती है जैसे हम बोलते हैं ना गर्मियों में आप देख ले हो अब अगर कूलर्स होंगे आपके पास पुराने जमाने में कूलर्स होते थे जो वहां उनकी बॉडी करोड हो जाती है ठीक है क्रोजन क्या होता है ड्यू टू रस्ट जब चीज एयर के कांटेक्ट uh, में आती है और एयर में क्या होते हैं वाटर पेपर्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो चीज क्रोड हो जाती है यानी कि उसको जंग लग जाती है तो जब कॉपर को जंग लगती है तो उसका कलर कौन सा चेंज हो जाता है वो हो जाता है ग्रीन ठीक है तो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर कोरोजन दैट इज ग्रीन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिलेक्ट फ्राम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाई मॉस्किटोज अब मॉस्किटोज़ के कारण कौन सी डिजीजेज अगर होती हैं ये पिछले साल में सभी को ही पता चल गया होगा क्योंकि इन्होंने पूरी हाहाकार मचा रखी है मॉस्किटोज़ ने तो वो क्या है डेंगू मलेरिया एंड चिकन गुनिया सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाई इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेंड फ्राम अ नेचुरल सोर्स ठीक है वाई क्या है एक मैन मेड फाइबर है ये हमने ऑप्शन में देखना है कि वाई इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है ठीक है डैश इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑबडेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वॉट कुड बी वाई वो क्या हो सकती है सो so, वो क्या है ऑप्शन थ्री दैट इज रे क्योंकि रेऑन एक ऐसे नेचुरल सोर्स से बनी है यानी कि वुड पल्प से बनी है ठीक है येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर ये सिल्क से चीपर होती है और इसको वोवन किया जाता है यानी कि सिल्क फाइबर के अंदर हम इसको बना सकते हैं इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं बेडशीट्स बनती हैं ठीक है ठीके? मिक्स करते हैं वूल के साथ कारपेट्स बन सकते हैं इस चीजों के सो रियोन क्या है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट अब देखिए हैं दो तरह के सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक होते हैं सिंगल सेलुलर एक होते हैं मल्टी सेलुलर तो हैंस एग होता है वो सिंगल सेलुलर है जो हम कहते हैं कि जाइगोट है जाइगोड भी क्या होता है सिंगल सेलुलर होता है एंड पैरामीशियम इज ऑल्सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिन जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है ठीक है एम्ब्रियो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूवड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये देखिए ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ये जो पाथ आपको ब्लू लाइन में नजर आ रही है ये क्या है डिस्टेंस है लेकिन अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है और द डिस्टेंस एक्चुअल जो ट्रेवल किया है ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना ये क्या होता है उसका डिस्टेंस होता है अब आप बताइए सिचुएशन आपके सामने हैं कि कौन सी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इक्वल होगा अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अ पैंडुलम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो या फिर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन कौन सी ऑप्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा सो so देखिए इन चारों सिचुएशन uh, को अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कार एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है ठीक है एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है इट मीन्स कोई भी बेंड नहीं है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में जितना डिस्टेंस है क्या उतनी ही डिस्प्लेसमेंट है ठीक है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट चलो ऑप्शन वन क्या है इसका करेक्ट है तो बाकी के भी आप देख लो अर कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अगर कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसने यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक जाना है इस तरह से सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है तो डिस्टेंस तो ये हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो गई ना तो ये क्या है डिफरेंट है देन अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन में इस तरह से जाता है ना सर्कुलर पाथ में ये तो डिस्टेंस हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो गया फिर डिफरेंट हो गया सर्कुलर पाथ में जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ की बात आए जहाँ पे कोई भी बेंड नहीं है ठीक है कोई भी लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं है वहाँ पर आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगी सो ऑप्शन वन क्या है इसका करेक्ट आंसर और फ्रेंड्स ये है लास्ट एम सी क्यू ऑफ दिस सेशन आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके थर्टी में से कितने मार्क्स आए कितने आप सही अटेम्प्ट कर पाए हैं और फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश पैडागॉजी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं वो आप जरूर चेक कीजिएगा मैथ्स की पैडागॉजी हम कल से या फिर परसों से जो है वो स्टार्ट कर देंगे और वो भी आपको मैराथन सेशन में मिलेगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दूंगी आप वहाँ से भी देख सकते हैं ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर प्रिपरेशन और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सी इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन कीप वॉचिंग